नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की देश भर की कुछ खास खबरों से। मीडिया पर हो रही उत्पीड़न को लेकर सियाना कोतवाली में आम आदमी पार्टी में सीओ के नाम सौंपा थाना प्रभारी को ज्ञापन। दरअसल आपको बता दें कि कल गुरुवार को दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऑफिस और घरों पर आईटी ने छापेमार कर कार्रवाई की थी, जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव राजा मालिक के नेतृत्व में दर्जनों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थाना कोतवाली में पहुंचे, जहां थाना प्रभारी को क्षेत्र अधिकारी के नाम पर ज्ञापन सौंपा। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव राजा मलिक ने कहा, पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या भूल गई है कि मीडिया की वजह से ही उनकी सरकार बनी है, और किसी भी तरीके का उत्पीड़न पत्रकारों के खिलाफ नहीं होने देंगे। सियाना से संवाददाता वसीम खान की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज आपने ज्ञापन दिया है, किसके लिए ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे जो मीडिया बंधु है उनके ऊपर आईटी की रेड लाइट है। हमारा समाचार पत्र है और दैनिक भास्कर न्यूज है। इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि इन्होंने सच्चाई को दर्शाया है, इन्होंने जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम ईमानदारी से किया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होगी, दुख हो गया कि आखिर जनता की आवाज को बुलंद क्यों कर रहे हैं, इसको दबाया जाए। और अपनी जो जांच एजेंसियां हैं इसका दुरुपयोग करके इन्होंने इनके मीडिया कर्मियों को, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं इनको परेशान करने का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को चेताना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आपको लाने वाले भी मीडिया भाई हैं, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन लोगों ने ही आपको सत्ता की गद्दी तक पहुंचाया है। ये मीडिया कर्मी देश का चौथा स्तंभ है। इन मीडिया कर्मियों की बदौलत आप सत्ता तक पहुंचे हैं। इन्होंने आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाया और जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का मीडिया कर्मी करते हैं। और आपकी जो उपलब्धि होती है, सरकार की जो उपलब्धियां होती हैं, उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करने का काम भी मीडिया ही करती है। लेकिन आपने अपनी सत्ता के अहंकार में आके इन मीडिया कर्मियों को जो सताने का और परेशान करने का काम किया, यह बिल्कुल गलत है। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि आप होश में आ जाइए, वरना तो अगर ये मीडिया कर्मी को परेशान आपने और किया तो समझ लीजिए कि आप घर बैठे डमरू बजाएंगे। ये आने वाला वक्त 2022 के चुनाव में आपको पता लग जाएगा कि जनता को आपने और मीडिया कर्मियों को, तमाम तरह के संस्थाओं को जो आपने परेशान करने का काम किया, ये आपको आने वाले वक्त में जनता सबक सिखा के रहेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।